Now, today we will see the experiment to find out source of pure oxygen released in photosynthesis. जैसे photosynthesis में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दो रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, वाटर में भी ऑक्सीजन है. तो ये प्योर ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज हुआ है, इसके लिए टू फाइंड आउट द सोर्स ऑफ प्योर ऑक्सीजन सम एक्सपेरिमेंट्स वेयर परफॉर्म्ड बाई डिफरेंट साइंटिस्ट. इन 1931 वैन नील प्रूव्ड दैट बैक्टीरिया यूज्ड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस उन्होंने देखा. अकॉर्डिंग टू हिम ग्रीन बैक्टीरिया यूज्ड H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट एज फॉलोज. जैसे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S फॉर्म 1 कार्बोहाइड्रेट 6 वाटर एंड 12 सल्फर. दिस लेड वैन नील टू पोस्टुलेट दैट इन ग्रीन प्लांट्स वाटर इज यूटिलाइज इन प्लेस ऑफ H2S एंड ऑक्सीजन इज इवॉल्व इन प्लेस ऑफ सल्फर. जैसे यहाँ पे H2S यूज़ किया तो हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए यूज़ किया है और सल्फर जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको रिलीज़ किया है. तो ये पानी में वो रिलीज़ कर देते ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. तो इसके बेसिस पर से उन्होंने ये बोला कि प्लांट में इंस्टेड ऑफ H2S प्लांट यूज्ड वाटर. तो सो वाटर में से हाइड्रोजन रिलीज करके कार्बोहाइड्रेट के रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किया जाता है. इन लेटर ऑन इन 1941 रूबेन एंड कैमेन नाम के दो साइंटिस्ट थे, वो उन्होंने ये फैक्ट को कंफर्म किया. इन 1941 रूबेन कंफर्म दैट द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बाय यूजिंग हेवी आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन O18 इन क्लोरेला. तो ये फैक्ट को उन्होंने हेवी आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन का यूज़ करके क्लोरेला नाम के अल्गी में कंफर्म किया है. ये फैक्ट कि प्योर ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. अब यहाँ पे देखते हैं व्हेन दे यूज़ O18 हेवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर देन ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज O18. दिस लीड टू द करंटली एक्सेप्टेड जनरल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. जैसे अब यहाँ पे 6CO2 + 12H2O, तो वाटर का जो ऑक्सीजन है वो हेवी आइसोटोप लिया. फिर उसके बाद में पूरी रिएक्शन होने के बाद में क्लोरेला में उन्होंने ऑब्जर्व किया कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीजन नॉर्मल है, वाटर का ऑक्सीजन नॉर्मल है, मगर जो प्योर ऑक्सीजन रिलीज हुआ है उसका वो हेवी आइसोटोप है. एंड फ्रॉम द अबोव इक्वेशन दे सक्सेसफुली कंक्लूडेड दैट प्योर ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. लेटर ऑन इन 1937 रॉबर्ट हिल डेमोन्स्ट्रेटेड दैट आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट इवॉल्व ऑक्सीजन व्हेन दे वेयर इल्यूमिनेटेड इन प्रेजेंस ऑफ ए सुटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सच एज फेरिसाइनाइड. तो फिर 1937 में रॉबर्ट हिल ने एक एक्सपेरिमेंट किया. इसमें आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोप्लास्ट रिमूव्ड फ्रॉम सेल सस्पेंडेड इन टू ए सोल्यूशन हैविंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरिसाइनाइड. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरिसाइनाइड इज रिड्यूस्ड टू फेरोसाइनाइड बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर. दिस इज कॉल्ड हिल रिएक्शन. क्योंकि वाटर स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स में, तो इलेक्ट्रॉन फेरिसाइनाइड जो है वो फेरोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है बाय रिडक्शन. और इसीलिए विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरिसाइनाइड रॉबर्ट हिल कन्फर्म दिस फैक्ट दैट प्योर ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल. दिस इज कॉल्ड एज हिल रिएक्शन. दस हिल्स रिएक्शन प्रूव्स दैट इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम वाटर एंड इलेक्ट्रॉन्स फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम वाटर. ये दो चीज़ें हिल ने प्रूव करके दी ड्यू टू हिल रिएक्शन. लेटर ऑन इन 1954 अर्नॉन डिस्कवर्ड दैट हाइड्रोजन रिलीज्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वॉज एक्सेप्टेड बाय कोएंजाइम NADP एंड परफॉर्म्ड NADPH2 एज हाइड्रोजन डोनर एज वेल एज लाइट एनर्जी इज कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन ATP बाय फोटोफॉस्फोरिलेशन. तो बाद में 1954 ने अर्नॉन ने वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होने के बाद में जो हाइड्रोजन रिलीज होता है वो NADP नाम का कोएंजाइम एक्सेप्ट करके NADPH2 बनाता है और ये NADPH2 बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है.
तो ये प्रोसेस जो है वो अर्नॉन ने डिस्कवर की, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि केमिकल एनर्जी जो लाइट एनर्जी इट गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रिपेयर्ड बाय फोटोफॉस्फोरिलेशन. तो फोटोफॉस्फोरिलेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय अर्नॉन. नाउ वी विल सी द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन टू स्टेजेस. ब्लैकमन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट ऑन क्लोरेला एंड सिनेडेस्मस, ये दो टाइप के अल्गी है क्लोरेला एंड सिनेडेस्मस, उनकी उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ब्लैकमन ने ये प्रूव किया था कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, दैट इज फोटोकेमिकल फेज और लाइट रिएक्शन, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हिल रिएक्शन, एंड सेकेंड इज बायोकेमिकल फेज और डार्क रिएक्शन और ब्लैकमन्स रिएक्शन. यानी फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है वो दो स्टेप में होती है. सम रिएक्शंस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, वो लाइट में होती है डे टाइम में, और केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय यूजिंग सनलाइट, इसलिए इसको फोटोकेमिकल फेज बोलते हैं या लाइट रिएक्शन बोलते हैं. और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हिल रिएक्शन, क्योंकि इसका रिएक्शन सीक्वेंस जो है वो रॉबर्ट हिल ने डिस्कवर किया है. इसमें से फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, ये डिस्कवर किया है, तो इसलिए हिल रिएक्शन भी बोलते हैं. और नाइट में होती है रिएक्शंस, बायोकेमिकल फेज और डार्क रिएक्शन. इट रिएक्शन सिक्वेंस वॉज डिस्कवर्ड बाय ब्लैकमन, हेंस कॉल्ड एज ब्लैकमन्स रिएक्शन. तो ये दो स्टेप्स हो गई, फोटोकेमिकल फेज और लाइट रिएक्शन और हिल रिएक्शन, बायोकेमिकल फेज और डार्क रिएक्शन और ब्लैकमन रिएक्शन. अब डे टाइम में क्या होता है और नाइट में क्या होता है, तो डे टाइम में विद द हेल्प ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग क्लोरोफिल पिगमेंट सोलार एनर्जी इज ट्रैप्ड एंड गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. लाइट रिएक्शन में सोलार एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी दैट इज एटीपी मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग पावर एज NADPH2. तो फिर ये लाइट रिएक्शन हो गई, एंड ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड इन द लाइट रिएक्शन बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इट टेक्स प्लेस इन ग्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो ये लाइट रिएक्शन जो है उसमें सोलार एनर्जी को केमिकल एनर्जी में यानी ATP मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, उसके साथ साथ NADPH2 का फॉर्मेशन होता है रिड्यूसिंग पावर करके. ये इस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होता है, ये इसमें जो है ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन एटमोसफियर में लिबरेट होता है, और ये पूरी की पूरी रिएक्शन जो है ग्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होती है. जैसे क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट है, ग्रेना एंड स्ट्रोमा, तो ग्रेना में लाइट होती है ग्रेना में, और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन. अब ये लाइट रिएक्शन के दो मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर और इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन और फोटोफॉस्फोरिलेशन. जैसे अभी मैंने बोला कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल इज ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इसलिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलते. ये प्रोसेस में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है और फोटोफॉस्फोरिलेशन जिसमें ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट by using ADP and IP. Inorganic phosphate ADP में add किया जाता है, addition of phosphate to any compound is called as phosphorylation, और ये step in presence of light होती है, इसलिए इसको photophosphorylation बोलते हैं. अब हम लाइट रिएक्शन की पहली स्टेप देखते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर. फोटो मींस लाइट, लाइसिस मींस ब्रेक डाउन ऑफ वाटर. वाटर स्प्लिट्स इनटू प्रोटॉन्स एंड हाइड्रोक्सिल आयंस दैट इज OH आयंस. यानी वाटर जो है वो स्प्लिट होता है हाइड्रोजन आयन और OH आयंस में. अब इसमें जो है पिगमेंट सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर इन्वॉल्व होता है, P680 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड टू रिलीज ऑक्सीजन. तो ये इसमें P680 रिएक्शन सेंटर ऑफ पिगमेंट सिस्टम 2 एक्ट्स एज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्लिटिंग ऑफ. अब इसमें जो है चार वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होता है, उससे तो 4 हाइड्रोजन आयन्स यानी प्रोटॉन्स फॉर्म होते हैं विच इज़ एक्सेप्टेड बाय आयोनाइज्ड NADP एंड गेट रिड्यूस टू NADPH2. द OH आयन्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीडाइज्ड P680. जो P680 मॉलिक्यूल है रिएक्शन सेंटर ऑफ पिगमेंट सिस्टम 2, वो आयोनाइज्ड हो जाता है बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स, और उसको नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में आने लाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स है
वो OH आयन प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रल OH रिएक्ट टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल विथ इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ये रिएक्शन सीक्वेंस अगर आप देखोगे तो पहली रिएक्शन में आप देखो चार वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुए हैं, फोर हाइड्रोजन एंड फोर OH आयन में। उसके बाद में जो फोर OH आयन है उसमें से चार इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, जिसकी वजह से फोर न्यूट्रल OH फॉर्म हुए हैं सेकेंड इक्वेशन में आप देखो। फिर ये रीअरेंजमेंट ऑफ OH, तो चार न्यूट्रल OH कंबाइन होके दो वाटर मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। फिर नीचे का इक्वेशन जो है ओवरऑल इक्वेशन है फोटोलिसिस ऑफ वाटर का, 4H2O इज इक्वल टू ट्वाइस H2O प्लस O2 प्लस फोर प्रोटॉन्स एंड फोर इलेक्ट्रॉन्स। अब ये प्रोटॉन्स जो है NADP ट्रैप करके NADPH2 में कन्वर्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है आयोनाइज्ड क्लोरोफिल ए को डोनेट किए जाते हैं, जो P680 मॉलिक्यूल है उसको डोनेट किए जाते हैं, सो दैट दिस क्लोरोफिल ए कम टू इट्स नॉर्मल ग्राउंड स्टेट एंड स्टार्ट रिसीविंग एक्साइटेशन एनर्जी फ्रॉम इट्स एसोसिएट। उसके बाद में ऑक्सीजन जो है वो एटमोसफेयर में रिलीज किया जाता है और वाटर मॉलिक्यूल गेट स्टोर्ड इन द सेल एज मेटाबॉलिक वाटर। तो ये पूरी स्टेप जो है इसको फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर के जो सिग्निफिकेंस है उसमें है, मेटाबॉलिक वाटर इज फॉर्म टू मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ द सेल, प्योर ऑक्सीजन इज लिबरेटेड इन द एटमॉस्फेयर व्हिच इज यूटिलाइज्ड बाय द रेस्पिरेशन बाय रेस्पिरेशन ऑफ एंटायर लिविंग वर्ल्ड, हाइड्रोजन आयन्स आर रिड्यूस टू NADPH2 एंड फोर इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड टू आयोनाइज क्लोरोफिल ए। तो फर्स्ट स्टेप फोटोलिसिस, फिर सेकंड स्टेप जो है लाइट रिएक्शन के वो फोटोफॉस्फोरिलेशन, सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड IP इन प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय द एक्टिविटी ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब इसमें जो है फोटोफॉस्फोरिलेशन फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अर्नॉन एंड द मैकेनिज्म ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन इज ऑपरेटेड विद इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसके लिए क्लोरोफिल पिगमेंट्स लगती है एंड एज क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट विद इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट फोटोफॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो डेफिनेशन क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड IP इन प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय द एक्टिविटी ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोरिलेशन। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अर्नॉन एंड कंप्लीटेड इन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। It occurs in grana of chloroplast. There are two types of photophosphorylation, cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation. तो दो टाइप से प्लांट में photophosphorylation होता है, उसमें cyclic type is called as abnormal way of photophosphorylation and normal way of photophosphorylation is non-cyclic photophosphorylation. क्योंकि electrons जो है वो remove होते हैं आयोनाइज्ड क्लोरोफिल ए में से एंड दे ट्राई टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट, मगर मीनवाइल दे आर ट्रैप्ड बाय वेरियस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स एंड फ्रॉम ट्रांसपोर्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एट सम प्लेसेस दे प्रिपेयर ATP बाय यूजिंग ADP एंड IP। यानी फॉस्फोरिलेशन होता है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो इलेक्ट्रॉन वापस आ गए फिर से जहाँ से निकले वहीं पे वापस आ गए तो वो बोलते हैं उसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, मगर एक जगह से निकले और दूसरी जगह पे गए तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन।